नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉजिटिव बिल्डर में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश बोर्ड के बारे में बताऊंगा। आपने जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आप हैं, या फिर आप जो है वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको जो है वो आपकी बुक्स में या फिर कई बार आपसे पूछा गया होगा, आपने पढ़ा होगा कि इंग्लिश बोर्ड और फ्लेमिश बोर्ड में क्या अंतर होता है, फिर इंग्लिश बोर्ड किसे कहते हैं और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड जो है वो ब्रिक मशीनरी में कौन सा है। तो इंग्लिश बोंड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बोंड होता है आपकी ब्रिक मशीनरी में। जब भी आप अपना घर बनाएं, बिल्डिंग बनाएं, तो इंग्लिश बोंड को फॉलो करें। इंग्लिश बोंड जैसे होता है वैसे ही आप अपने दीवारों की चुनाई करवाएं या फिर ब्रिक मशीनरी करवाएं। अब ये इंग्लिश बोंड में किस तरह से ब्रिक्स को प्लेस किया जाता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ईंट का जो ये हिस्सा होता है, जो सबसे लंबा हिस्सा होता है, उसे हम जो है वो कहते हैं स्ट्रेचर। और जो हिस्सा जो है वो ईंट का ये वाला फेस होता है ईंट का, इसे कहते हैं हम हेडर। ये हो गया आपका स्ट्रेचर, ये हो गया आपका हेडर। तो जो स्ट्रेचर है, जब हम एक कोर्स या फिर एक लेयर जो है वो स्ट्रेचर की प्रोवाइड करते हैं, देख सकते हैं वहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक स्ट्रेचर ही स्ट्रेचर है, और स्टार्टिंग से यहाँ तक देख सकते हैं। उसके बाद जब हम हेडर का दूसरा कोर्स प्रोवाइड करेंगे, तो इस तरह से अल्टरनेट वे में स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर, तो इस तरह से जो है वो ब्रिक के फेस को रखा जाएगा, या फिर इस तरह के पैटर्न में जो है वो हम ब्रिक मशीनरी करेंगे, तो उसे हम इंग्लिश बोंड कहेंगे। तो ये जो है वो आप देख पा रहे हैं ऊपर से नीचे तक जो है इंग्लिश बोंड जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और इंग्लिश बोंड को प्रोवाइड करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो बीच में ये वर्टिकल जॉइंट होते हैं, जिसे हम टेक्निकल टर्म में क्रॉस जॉइंट भी कहते हैं, तो ये जो क्रॉस जॉइंट हैं, इनकी दूरी जो है, इनका स्पेस जो है, इनका गैप जो है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 mm होना चाहिए। और नीचे का जो लेयर है, जहाँ पर हम इसे बेड मोर्टार कहते हैं टेक्निकल टर्म में, ये 12 से 14 mm होना चाहिए। तो आपकी जो सभी के सभी क्रॉस जॉइंट हैं, जैसे ये है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो ये जो है वो अल्टरनेट वे में होने चाहिए, एक सीध में सभी के सभी क्रॉस जॉइंट या फिर वर्टिकल जॉइंट नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपकी दीवारों में क्रैक्स आएंगे और आपका घर जो है वो मजबूत व सुरक्षित नहीं बन पाएगा। देखिए, घर तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप अपने शरीर की वो आप या फिर ज़्यादा लंबी उम्र के लिए आप जो है वो अपने शरीर की अच्छे से केयर करेंगे, अच्छे से डाइट फॉलो करेंगे, तभी जो है वो आपकी लंबी आयु होगी या फिर आप जो है वो ज़्यादा साल तक जीवित रहेंगे। वैसे ही अगर आप जो है वो स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो वो स्ट्रक्चर एकदम से कोलैप्स ना हो या फिर उसमें दरारें ना आए, लेकिन समय के साथ जो है, जैसे कि मान लीजिए जिस स्ट्रक्चर में आपने अच्छे से काम किया है वो स्ट्रक्चर 100 साल चलेगा और उसके बाद मेंटेनेंस मांगेगा, तो जिस स्ट्रक्चर में अच्छे से काम नहीं हुआ होगा वो स्ट्रक्चर जो है वो 50 साल के बाद ही मेंटेनेंस मांगेगा। तो इस तरह से जो है वो आपके स्ट्रक्चर में दिक्कतें आती हैं समय के साथ, अगर आप जो है वो काम अच्छा नहीं करवाते। तो जब भी आप ब्रिक मशीनरी का काम करवाएं, आपको जो है वो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।